हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक धुनी ज्ञान। हम अपने वैलिडेशन कंट्रोल के नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि रेंज वैलिडेटर कैसे वर्क करेंगे। रेंज वैलिडेटर, एज इट इज नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि रेंज वैलिडेटर एक पर्टिकुलर रेंज में काम करेंगे। आप किसी भी रेंज में वैल्यू को अगर डालना चाहते हैं कि आप सपोज आप डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हैं कि इतने ईयर से लेके इतने ईयर तक के ही लोगों का डेट ऑफ बर्थ इनपुट हो, तो उसके लिए हम एक रेंज वैलिडेटर को बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे रेंज वैलिडेटर के साथ वर्क करेंगे इन ASP.NET। हमने स्टार्ट किया है अपना .NET का एप्लीकेशन। इस .NET के एप्लीकेशन में सपोज वी वांट टू एंटर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ एनी पर्सन, तो हम चाह रहे हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ हो उसकी रेंज हो 1990 से लेके 2000 तक की, ना उसके पहले की डेट ऑफ बर्थ इनपुट ले और ना उसके बाद की डेट ऑफ बर्थ इनपुट ले। तो उसके लिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम डेट ऑफ बर्थ को इनपुट करवाएंगे। यहाँ पे आप लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे, देन आप टेक्स्ट बॉक्स को लिया आपने। अब हम एक बटन ले रहे हैं कि हम उसमें क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन होगी। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं चेक। अब यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एक रेंज वैलिडेटर, तो ये रेंज वैलिडेटर हमें मिलेगा वैलिडेशन से। अब हम जाते हैं अपनी कोडिंग में, तो यहाँ हमारे पास आ रहा है ID रेंज वैलिडेटर 1, और बटन और टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें अपनी नीट के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि कंट्रोल टू वैलिडेट, कि कौन से कंट्रोल को आपको वैलिडेट करना है। तो हमने लिखा टेक्स्ट बॉक्स 1, जिसे हमें वैलिडेट करना है। अब कंट्रोल टू वैलिडेट के बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि हम मिनिमम वैल्यू कौन सी लेना चाह रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि जो डेट हो वो 1/1/1990 से लेके हम लेंगे मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू हम बताएंगे कि हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है 1/1 से 2000 तक की। तो रेट ऑफ बर्थ है वो 1990 से लेके 2000 की रेंज तक ही हम यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एरर मैसेज आया है इसमें है रेंज वैलिडेटर, हम इसे चेंज कर देते हैं। इसे हम लिख देते हैं कि डेट ऑफ बर्थ शुड बिटवीन 1/1/1990 to 1/1/2000। एंड यहाँ पे हम देंगे एक टाइप कि हम किस तरह की वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं। तो टाइप हमारा यहाँ पे हो जाएगा डेट, क्योंकि हम यहाँ पे डेट वाली वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं। अब हम इसे एक बार रन करा के देखते हैं। ऑन हो गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। सपोज मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला है यहाँ पे 2/3/1998, तो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो कोई एरर नहीं आया हमारे पास। बट यहीं पे अगर हम डेट ऑफ बर्थ को चेंज करके 89 करेंगे तो हमारे पास एक एरर मैसेज शो कर रहा है। उसी तरह अगर हम इसे 2009 करेंगे तो भी हमारे पास एरर मैसेज आएगा, बट अगर हम इसे 2000 कर देंगे तो हमारे पास कोई एरर मैसेज, सॉरी 1/1 तक है, तो इसे हम 1/1/2000 लेंगे तो एरर मैसेज इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से हम रेंज वैलिडेटर के साथ वर्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।